नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज बुद्ध पूर्णिमा का पावन अवसर है। नेपाल के लुम्बिनी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर पहुंच चुके हैं। कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। इससे पहले नेपाल के लुम्बिनी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने लुम्बिनी बौद्ध विहार क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखी। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में बुद्ध जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने भगवान बुद्ध को मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण बताते हुए कहा कि वह बोध भी हैं और शोध भी हैं। उन्होंने बुद्ध को एक विचार और संस्कार भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, सांझी विरासत, सांझी संस्कृति और सांझी आस्था और साझा प्रेम हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह पूंजी जितनी समृद्ध होगी, हम उतने ही प्रभावी ढंग से दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूत होती मित्रता और घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। भगवान बुद्ध के प्रति आस्था हमें एक सूत्र में बांधती है। ये तमाम शब्द प्रधानमंत्री ने आज लुम्बिनी में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहे। और अब लुम्बिनी से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुशीनगर से प्रधानमंत्री मोदी बुद्ध के सामने नतमस्तक होते हुए, आपको बता दें कि कुशीनगर वो ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध महानिर्वाण को प्राप्त हुए थे। महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए गौतम बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा यहाँ पर, जहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भगवान बुद्ध की Bye.
तो ये सीधे दृश्य हम देख रहे हैं कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और भगवान बुद्ध को चीवर भी समर्पित किया। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नीरज, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ महापरिनिर्वाण मंदिर में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और भगवान बुद्ध को उन्होंने चीवर भी समर्पित किया है। एक बेहद विशेष दिन और इस दिन ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसे चीवर दान करते हैं और बुद्ध धर्म के अंदर इसका विशेष महत्व है। आपने देखा होगा कि सांसारिक सुखों को त्याग करके भगवान बुद्ध मात्र एक कपड़े के साथ ही जो धार्मिक जो यात्रा है उस पर निकल गए थे, और उसका मकसद भी यही था कि आप सांसारिक सुखों से दूर रहें, मात्र एक कपड़ा ऐसा जिससे आप अपने शरीर को ढक सकें, वही चीवर जो दान है वो कहलाया जाता है। और आज प्रधानमंत्री ने उसकी प्रतिमा को चीवर दान दिया, और इसके साथ साथ ही एक संघ दान का भी एक प्रावधान है, जिसमें जो भिक्षु वर्षा वास के समय जब रहते थे और जो कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाते थे क्योंकि ना तो कनेक्टिविटी होती थी वर्षा की वजह से, तमाम जो रोड है वो बंद हो जाते थे, कच्चे रोड होते थे, इसके अलावा जो नदियां थी जिनसे नौका गमन होता था वो वर्षा के कारण या तूफान या जो बाढ़ है उसके कारण वो भी बंद हो जाता था। तो उस काल में 3 महीने के करीब जो भी बौद्ध भिक्षु होते थे या बौद्ध धर्म के प्रचारक होते थे वो एक स्थान पर रुककर ही जो तमाम अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते थे, तो उस समय संघ का दान किया जाता था ताकि जो लोग हैं वो भिक्षुओं को दान दे सके, उनके अन्न जल का जो इंतजाम है वो कर सके। तो इस दृष्टि से चीवर दान और एक बड़ा दिन आज बैसाख की जो है वो पूर्णिमा है, एक बड़ा दिन भी है, इसे त्रिबुद पावनी भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि आज के दिन 3 बड़े काम हुए थे। आज ही के दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ, आज ही के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और आज ही के दिन वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो कुल मिलाकर आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 2566वीं बुद्ध पूर्णिमा है, और आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी के बाद सीधे उस स्थल पर पहुंचे हैं जहां पर भगवान गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो कुल मिलाकर आज का दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि आज बुद्ध को समर्पित दिन है, और लुम्बिनी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर पहुंचे हैं। बहुत जल्द आपको कुशीनगर की सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। अभी आपने देखा नेपाल में लुम्बिनी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर पहुंचे हैं, और कुशीनगर में उन्होंने पूजा अर्चना की है, उस स्थल पर पूजा अर्चना की है जहां पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। इससे पहले लुम्बिनी पहुंचने पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। आज के दिन को विशेष बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन विशेष तौर पर बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज सिद्धार्थ का जन्म हुआ, आज उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और आज ही के दिन वो महापरिनिर्वाण स्थल पर पहुंचकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो आज की यात्रा कुल मिलाकर महत्वपूर्ण यात्रा रही प्रधानमंत्री की। कुशीनगर में प्रधानमंत्री की वापसी हुई है, और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर बुद्ध की कुछ पंक्तियां, जिसमें बुद्ध ने कहा है, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन दुनिया को बदल सकता है। तो वो जीवन बनिए जो दुनिया में बदलाव ला सकता है। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।